तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और यूट्यूब के नए अपडेट से रिलेटेड इस वीडियो में। तो गाइस, यूट्यूब का एक नया अपडेट आया हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। अगर गाइस आप मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं किया हुआ है तो गाइस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वहाँ पर अप्लाई बटन वहाँ पर नहीं आएगी। तो गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करेंगे अगर आपको नहीं पता है। और गाइस, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस अगर आपके चैनल पर ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो गाइस मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो गाइस वहाँ से चेक कर सकते हैं आप, उस वीडियो को वहाँ से वॉच कर सकते हैं जा करके कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं आ रहा है। और गाइस, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो गाइस आप उसे कैसे इनेबल करेंगे, इस वीडियो में आप जान सकते हो। तो गाइस देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले जाना होगा आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो गाइस आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। ओपन करने में गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना होगा www.youtube.com। गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना होगा www.youtube.com। गाइस इतना टाइप करने में गाइस आपको सर्च कर देना होगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सॉरी नेट नहीं ऑन है मेरा, तो मैं यहाँ पर नेट ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप इतना सर्च करेंगे www.youtube.com, तो गाइस आपके सामने YouTube ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर YouTube आपका ओपन हो जाएगा। तो गाइस अगर आप जिस चैनल का मतलब जिस चैनल में आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो गाइस वो चैनल आपको लॉगिन कर लेना होगा। आपको यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपके चैनल की लोगो दिख जाए। अगर आपकी ईमेल आईडी क्रोम ब्राउज़र में पहले से ही ओपन होगी तो आपका यूट्यूब चैनल पहले से ही यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर अपने यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको अपनी यूट्यूब चैनल आईडी लॉगिन कर लेनी होगी। लॉगिन करने बाद गाइस आपको यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड बटन यहाँ पर ये रेड कलर का शो हो रहा है। गाइस आपको इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने में गाइस आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड यहाँ पर इसको आपको टिक कर देना होगा। तो गाइस जैसे आप इसमें टिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डेस्कटॉप साइड में आपका YouTube ओपन हो रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना होगा, जब ये पूरी तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा तब आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। तो कि गाइस यहाँ पर ये पेज पूरी तरह से ओपन हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है गाइस। तो गाइस जब आपका ये पेज पूरी तरह से ओपन हो जाए तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना होगा, गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की ओर यहाँ पर आपके चैनल की पिक आपको दिख जाएगी। जो भी चैनल पर आपकी पिक लगी होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कॉर्नर में। गाइस आप देख सकते हैं, गाइस आपको अपने चैनल की पिक में आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। गाइस आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, गाइस आपको इसी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो गाइस उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स, तो गाइस आपको इसमें क्लिक करना होगा, चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स। तो गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो गाइस आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर ओपन होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना होगा, यहाँ पर स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पर पेज पूरी तरीके से जब ओपन हो जाए तब आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इसे बंद कर देना होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसे यहाँ पर बैक कर देना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर, गाइस आपको यहाँ पर जूम करके दिखा सकते हैं, यहाँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर का चिन्ह बना हुआ है। तो गाइस आपको इसी डॉलर इस इन पर आपको क्लिक करना होगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाइस आपको उसके बाद यहाँ पर इसमें क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे
तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। गाइस आप मोनेटाइजेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इन टू स्टेप। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट नाउ, तो गाइस आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा स्टार्ट नाउ। तो गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना ईमेल का पासवर्ड डाल देना होगा, जो भी आपका ईमेल का पासवर्ड होगा। गाइस जो भी आपका ईमेल का पासवर्ड होगा आप वो यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने में गाइस आपको इस नीले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी मतलब डिवाइस आ जाएगी, जिस भी डिवाइस में आपका मतलब यूट्यूब चैनल लॉगिन होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो भी आपका नंबर ऐड होगा आपके ईमेल आईडी में, उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी। तो गाइस आपको ओटीपी फ़ोन कॉल्स में चाहिए या मैसेज में, तो गाइस आप मैसेज में चाहिए तो मैसेज में टिक कर देना, अगर फ़ोन कॉल्स में चाहिए तो फ़ोन कॉल्स में। तो मैं यहाँ पर मैसेज पे मंगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैसेज पे टिक रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेंड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइस उस फ़ोन नंबर पे एक मैसेज जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो गाइस वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी वेरिफिकेशन कोड वहाँ पर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, आप भी अपना वेरिफिकेशन कोड डाल देना। वेरिफिकेशन कोड डालने बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टर्न ऑन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे आप टर्न ऑन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हुआ है या नहीं, आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर गाइस पेज ओपन हो रहा है मेरा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर टिक आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा टिक आ गया। जैसे मैंने वहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया तो यहाँ पर वेरीफिकेशन टू स्टेप इज़ ऑन, तो यहाँ पर गाइस ये ग्रीन कलर का टिक आ गया है। गाइस यहाँ पर मेरे ये ग्रीन कलर का टिक आ गया है। तो गाइस जैसे ही आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा तो आपका भी ग्रीन कलर का यहाँ पर टिक हो जाएगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। और गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ गाइस। तो गाइस ज़रूर सपोर्ट करिएगा मुझे, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।